कन्नौज में ऑटो चालक की ईमानदारी देखने को मिली। नगर का ऑटो चालक सोनू सवारिया लेकर कन्नौज से सरायमीरा जा रहा था। जैसे ही वो सदर कोतवाली क्षेत्र के यूपीटी होटल के पास जीटी रोड पर पहुंचा, तो आगे जा रहे बाइक सवार के बैग से 100 रुपए के नोट की गड्डी गिरती दिखी। ये देख चालक ने ऑटो रोककर गिरे हुए नोट उठा लिए। उसने बाइक सवार का पीछा कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी और तेजी से निकल गया। ये देख चालक सीधा सरायमीरा चौकी पहुंच गया और मिले हुए करीब 50,000 रुपए पुलिस के सुपुर्द कर दिए। ऑटो चालक की इस ईमानदारी की चर्चा नगर में हर तरफ हो रही है। उसने ईमानदारी की मिसाल पेश की है। ऑटो लेके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? सरायमीरा। क्या घटना घटी? एक बैग लेके आदमी जा रहा था बंदा, उसके बैग की चेन खुली थी और उसमें से 2 गड्डी गिरी। फिर वो किसे मिली थी? एक मेरे को मिली, एक बाइक वाले को मिली, हमने चौकी में दे दिए, दरोगा जी को दे दिए। अच्छा, वो आदमी जा कहाँ रहा था? ये कानपुर साइड जा रहा था सर। कहाँ पर आपको मिली गड्डी? ये यूपीटी होटल के पास। यूपीटी होटल के पास। कितना पैसा होगा लगभग? ये एक गड्डी 50,000 की मान लीजिए। कई गड्डी थी? 10 गड्डी। आपको कितनी मिली? 10 गड्डी। 10 गड्डी 50,000 नोटों की? नहीं यार, 100-100 वाली। 100-100 नोटों की? 1 लाख होगा तो। 100-100 नोट वाली कई गड्डी मिली? यानी कि एक बंडल ही है पूरा, 10 गड्डी होगा। 10 गड्डी होगा तो आपने पुलिस को सौंप दी है? हाँ जी, आप ही के सामने सौंपा सर। पूरी घटना कहाँ की है? ये यूपीटी होटल के पास की है। यूपीटी होटल के पास। हाँ जी। वो आदमी के बैग में क्या और कुछ पैसा ऐसा था? काफी पैसा था। काफी पैसा था। कन्नौज से अमित मिश्रा की रिपोर्ट, R9 भारत।